दोस्तों अभी पूरा के पूरा देश में सिर्फ एक ही मामला पे बात चल रही है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की एक लड़की, जिसे भारत के एक लड़के सचिन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो पाकिस्तान से भाग करके इंडिया चली आती है शादी करने के लिए। आपको कहां तक सच्चाई लगती है? क्या ये लड़की सचमुच शादी करने के लिए ही भारत में आई है या फिर इसका कोई और भी मकसद है? तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि सचिन ने कितना बड़ा काम कर दिया, एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को इंडिया में लाकर उससे शादी कर लिया और उसे हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया। इस बात पर ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट दिखाने वाले जिसे आप लोग खुद समझ जाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये लड़की भारत में किस मकसद से आई हुई है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट यह है कि यह लड़की मात्र 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है और वो भी कहां से, आपको पता ही है, भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान से। और ये भराटेदार तरीके से हिंदी बोल लेती है, इंग्लिश बोल लेती है और एक शब्द भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं करती है, जबकि पाकिस्तान से होने के बावजूद भी एक शब्द उर्दू का इस्तेमाल नहीं करती है। और ये इतना चतुर और इतना चालाक है कि आते ही मात्र 5 से 10 दिनों में ये पूरे हिंदू रीति रिवाज में ढल चुकी है। और इसे इतना ही नहीं, इसे कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज है। और दूसरी बात तो इससे भी ज़्यादा सोचने का विषय है कि मात्र 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई एक औरत 4-4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से इंडिया में घुसती है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? यहाँ पर लोगों को एक वीज़ा को अप्लाई करने और बनाने में कितने सारा परेशानियाँ होती और ये 3-3, 4-4 वीज़ा को बना करके वो भी 4-4 बच्चों को साथ में लेकर के इंडिया में घुस जाती है। लेकिन मैंने अभी तक आपको जितने भी बात बताई आपको वो सुनकर लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो एक नॉर्मल बात है और एक ये कर सकती है अगर कोई औरत तेज तरार हो तो। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला वो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो सीमा हैदर नाम की लड़की है, इसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में कार्यरत है। जी हाँ दोस्तों, इसका भाई जो है पाकिस्तानी आर्मी में अभी भी कार्यरत है। इन सभी बातों पर शांति तरीके से सोचना चाहिए और इस तरीके की मंसूबे को लेकर पाकिस्तान के कोई भी टेररिस्ट हमारे देश के अंदर घुस सकता है और पूरे देश को तहस नहस कर सकता है। और दोस्तों अभी अभी एक फोटो बहुत तेजी तरीके से वायरल हो रहा है जो कि ये फोटो है और इस लड़की का नाम है सानिया रहमान, जो कि पाकिस्तान के सिन्फ ए अहान नाम की टीवी सीरियल में काम करती है। इसका शकल बिल्कुल सीमा के शकल से मिलता जुलता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये वही लड़की या फिर कोई और है? आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हमने आपको जितना भी बात बताया, एक लॉजिकल बात बताया, फैक्ट के तरीके से समझाया आपको, तो आप लोगों को क्या लगता है हमारी बात में अगर सच्चाई लगती है? आप लोग एक लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।